विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की मंडी अधिवेशन में शुरुआत हुई है, जिसके बावजूद कांग्रेस के संगठन में एकजुटता का अभाव देखा गया। पार्टी के इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता वीरभद्र सिंह ने किनारा किया। वहीं पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विद्या स्टोक्स और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मंडी अधिवेशन में मौजूद नहीं थे। उसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे भी अधिवेशन में नहीं आए। उनकी जगह प्रदेश की सह प्रभारी सांसद रंजीता रंजन बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के इस अधिवेशन में मौजूद रहीं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री इस अधिवेशन में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में आयोजित किया गया। विधानसभा चुनावों में मिली कांग्रेस को हार को देखते हुए संगठनात्मक दृष्टि से इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन इस अधिवेशन पर भी कांग्रेस के अंदरूनी कलह का साया नजर आया। एक तरफ से ये अधिवेशन कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार होकर रह गया। हालांकि कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पार्टी की हार को लेकर खुलकर मंथन किया, वहीं पर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने का भी अधिवेशन में कार्य किया गया, जिसके चलते कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के बजाय सीधे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को निशाने पर रखा। पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार किया गया है, वहीं पर केंद्र सरकार की रणनीतियों की भी आलोचना की गई। इसके अलावा हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद कार्यक्रम के तहत पिछले 4 सालों में प्रदेश के सांसदों ने संसद में प्रदेश हित के कितने सवाल पूछे हैं और कौन कौन सी योजनाएं इस दौरान केंद्र से लाई हैं, इस बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगा है। आज कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय अधिवेशन है और ये मंडी शहर में हो रहा है। शिमला की राजधानी में अक्सर अधिवेशन होते रहते हैं। इस अधिवेशन में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे जो चुनाव लड़े हुए साथी हैं वो हैं, विधायक महोदय हैं, और इस अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो मोदी सरकार से थे या सांसदों से थे, हमारा एक कार्यक्रम है हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद, उस कार्यक्रम के तहत थे, उसके तहत हमने ये मुद्दे रखे हैं। और निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है कि आज सार्थक चर्चा होगी, सभी वरिष्ठ नेता इसमें हमारे पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद जो भी चर्चा होगी वो एक रूपरेखा लोकसभा चुनावों के रूप में आपके सामने रखी जाएगी। हिसाब दे सांसद जवाब दे सांसद है, इसमें 4 साल सांसदों को बने हुए हैं, अभी कितने सवाल उन्होंने संसद में पूछे हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितनी बार गए, प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के तहत कहाँ गए, ये सब मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करेंगे। पूर्व परिवहन मंत्री जीएस पाली ने कहा कि पार्टी हाईकमान को समय पर ही सही को सही और गलत को गलत करना चाहिए, जिससे पार्टी में गुटबाजी नहीं पनपती है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा परिवार है, प्रदेश के मुखिया को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पाली ने कहा कि मंडी में जब पंडित सुखराम को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया था, तब भी मैंने राजा को कहा था कि यह गलत है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि बड़ा दिल रखना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। गुटबाजी ज्यादा किसी की भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और ये गुटबाजी एक ही पार्टी तक सीमित भी नहीं है। आप इधर उधर भी नजर मारो, आपको पता लगेगा कितनी गुटबाजी इधर उधर है। यहाँ जो बैठे हुए हैं अभी सीएलपी के नेता हैं, पीसीसी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये लोग बैठ के आपस में बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात है हाईकमांड को ठीक को ठीक कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर कि ज्यादा नौकरियां देना भी दिक्कत है और ज्यादा काम करना भी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। मैंने जो बात कही जब यहाँ पे बात हुई थी कि सुखराम जी को स्टेज पे न्याय दिया था, मैंने तब भी कहा था कि ये गलत है। मैं आई वॉज द ओनली वन जिसने कहा गलत है और मुंह के ऊपर कहा गलत है, राहुल जी के सामने कहा गलत है। जो गलत चीज है जीएस वाली उसको गलत कहने से रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने घर पे बैठने को हर वक्त तैयार हूँ। ये जो बात मैंने कहनी है मैंने हाईकमान के सामने, राजा साहब के सामने, सबके सामने मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बातें कह दी है। मगर बात ये नहीं, मैंने राजा साहब को कहा था जब ये हो रहा था तो उससे पहले शाम को मैं उनके पास गया था, उनको कहा था कि इस बात से नुकसान होगा, कितना और टाइम देना चाहिए, तकरीबन 6 महीने का टाइम दे, उसके बाद अपनी टिप्पणी दूंगा। जयराम काम करें, बाकियों से ज्यादा भले हैं, जो धूमल साहब भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ,
और आने वाले समय में आप लोग भी देखोगे, अनफॉर्चुनेटली शराब और नशे का जो इस्तेमाल इलेक्शनों में हो रहा है ये डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है और स्पेशली हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है।